नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, दैट इज फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से, नाइन्थ क्लास की सप्लीमेंट्री या मोमेंट्स बुक से बहुत ही अच्छा लेसन, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जिसे लिखा है इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड ने, जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री और 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी कहानी द ब्लू अम्ब्रेला और सात खून माप पर हिंदी फिल्में भी बन चुकी हैं और इन्होंने कई फिल्मों में डायरेक्शन भी किया है। उनका ये टॉपिक द एडवेंचर्स ऑफ टोटो एक रोचक कहानी है, जिसमें टोटो एक बंदर का नाम है जिसकी शरारतों पर ये कहानी लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने टोटो को एक टांगा वाले से 5 रुपये में खरीदा था। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। टांगा वाला उस छोटे लाल बंदर को घोड़े की नांद से बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और वो बंदर तो उस जगह पर अटपेटा सा लगता था, मतलब जिस जगह पर वह बांधा जाता था उस जगह पर वह फिट नहीं लगता था। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, इसी वजह से दादाजी ने यह निश्चय किया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वे उस छोटे से बंदर को अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर से जोड़ेंगे। टोटो वॉज प्रेटी मंकी, टोटो एक सुंदर बंदर था। ब्राइट आइज स्पार्कल्ड, उसकी चमकदार आंखें चमकती थीं। विद मिस्चीफ, शरारत के साथ। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी गहरी भौं के नीचे। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर प्योरली वाइट, जो मोती की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल, जो अक्सर उसकी मुस्कान के साथ दिखते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जिससे उम्र दराज एंग्लो इंडियन औरतें डर जाती थीं। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ सूखे से लगते थे। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि उसके हाथों को कई वर्षों तक धूप में सुखाया गया हो। एट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, फिर भी उसकी उंगलियाँ तेज और शरारती थीं। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसकी सुंदरता को बढ़ाती रहती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, दादाजी ये मानते थे कि पूंछ किसी की भी सुंदरता को बढ़ाती है। आल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, और उसकी ये पूंछ उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, शाखा पर लटकने के लिए वह अपनी पूंछ का प्रयोग कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, और उसकी ये पूंछ किसी भी नाजुकता के साथ खींचने में समर्थ थी। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो भी चीज़ उसके हाथ की पहुँच से दूर होती थी। ग्रांड मदर ऑलवेज फ्यूस्ड, दादी जी को हमेशा ही आपत्ति होती थी। वेन ग्रांड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी दादाजी किसी नई चिड़िया या नए जानवर को घर पर लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए यह तय किया गया, दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर, कि टोटो की उपस्थिति के रहस्य को उनसे बचा कर ही रखना चाहिए। अंटिल सी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वे किसी अच्छे अंदाज में ना हों। ग्रांड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल, मैंने और दादाजी ने उस बंदर को अपने बेडरूम की दीवार के एक छोटे खुले आले में रख दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। आर सो वी थॉट, या फिर हमने ऐसा सोचा कि शायद हमने उसे सुरक्षित जगह पर बांध दिया। टू ए पैग फास्टन इन टू ए वॉल, दीवार में लगी एक मजबूत खूंटी से बांध दिया गया। हमने सोचा कि उस बंदर को उस आले के पास दीवार में लगी मजबूत खूंटी से सुरक्षित रूप से बांध दिया गया है। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ ही घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और दादाजी टोटो को खोलने के लिए वापस लौटे, वी फाउंड, तो हमने ये पाया, दैट द वॉल्स
विच हैड बिन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाई ग्रैंडफादर, की जो दीवारें दादाजी द्वारा चुने गए सजावटी कागजों से ढकी थी, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वे दीवारें खुली ईंटों और प्लास्टर की दीवारें रह गई थी। द पेग इन द वॉल हैड बिन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, दीवार में लगी खूंटी अपने सॉकेट में अब ऐंठी हुई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बिन हैंगिंग देयर, और मेरे स्कूल का ब्लेजर जो वहीं पर टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, उसके चीथड़े हो चुके थे। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, मुझे आश्चर्य हुआ कि दादी जी क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, ऐसा लगा जैसे कि वे टोटो के कारनामों से खुश हुए हों। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा वह चतुर है। गिविन टाइम, अगर उसे और भी वक्त मिल जाता, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इन टू रोप, तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे ब्लेजर के फटे टुकड़ों का रस्सी बना चुका होता। एंड मैड इज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से निकलकर भाग भी गया होता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सीक्रेट, घर में उसका होना अभी भी रहस्य बना हुआ था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, टोटो को अब नौकरों के कमरों में एक बड़े से पिंजड़े में स्थानांतरित कर दिया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रांड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के बहुत से पालतू जीव मिलजुल कर रहते थे। ए टॉर्टोइस, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्वायरल, जिन पालतू जीवों में थे एक कछुआ, एक जोड़ा खरगोश, एक गिलहरी। एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और कुछ दिनों तक तो मेरी पालतू बकरी भी वहीं रही थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफिस कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर ने तो अपने किसी भी साथी को रात भर सोने ही नहीं दिया। सो ग्रांड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, इसलिए दादाजी जिन्हें अगले दिन देहरादून से सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने जाना था, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने ये तय किया कि वे टोटो को अपने साथ लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एकम्पनी ग्रांड फादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्य से उस यात्रा में मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में मुझे बताया था। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा कैनवस का किट बैग उपलब्ध कराया गया। दिस विद सम एक्स्ट्रा एट द बॉटम, इसमें इसकी तली में कुछ भूसा भर दिया गया। बिकेम इज न्यू अबोर्ड, जो उसका नया घर बन गया। वेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप, जब बैग को बंद कर दिया जाता था तो निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, खुली वाली जगह से टोटो हाथ भी नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस इतना मजबूत था कि वह उसे काटकर अपने निकलने का रास्ता भी नहीं बना सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, उसके निकलने के प्रयास का असर केवल इतना था कि वह बैग को फर्श पर लुढ़का सकता था और अकेजनली जंप इन टू द एयर, या फिर कभी कभार बैग सहित हवा में उछल सकता था। एन एग्जिबिशन, यह एक प्रदर्शन जैसा था। That attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform, जिससे देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के जिज्ञासु भीड़ को आकर्षित कर लिया। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रांड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग इज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब दादाजी रेलवे की टर्नस्टाइल पर टिकट दिखा रहे थे, टर्नस्टाइल एक गोल लोहे का बना दिया जाता है जिसमें सिंगल आदमी ही वहाँ से निकल सकता है, और जब वो निकल रहा होता है तो घूम करके दूसरे खांचे की तरफ आ जाता है, उस अगले खांचे में एक आदमी दूसरा खड़ा हो जाता है, उसके सारे वो दूसरा निकलता, मतलब इसमें सिंगल सिंगल आदमी ही निकल सकता है। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो टोटो ने अचानक अपना सिर बैग से बाहर निकाल दिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर की ओर चौड़ी मुस्कान दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वह बेचारा चौंक गया।
बट विद ग्रेट प्रजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए, एंड मस्ट टू ग्रांड फादर्स अनॉयंस, और दादाजी को क्रोध दिलाने के लिए ही सेट, उसने कहा, सर यू हैव डॉग विद यू, श्रीमान जी आपके साथ एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, नियम के अनुसार आपको इसका भी किराया देना होगा। इन वैन डिड ग्रांड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, फालतू में ही दादाजी ने टोटो को अपने बैग से बाहर निकाल दिया। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव, फालतू में ही उन्होंने साबित करने की कोशिश की, दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई डॉग, कि कोई बंदर किसी कुत्ते की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, और इवन एज ए क्वाड्रप्ड, यहाँ तक कि उसे चौपाया भी नहीं कहा जा सकता है। टोटो वॉज क्लासीफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने टोटो को कुत्ते की श्रेणी में रख दिया, एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके किराए के रूप में 3 रुपये की धनराशि चुकानी पड़ी। देन ग्रांड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन अ बैग, तब दादाजी को भी जैसे को तैसा करने के लिए अपने आप पर उतर आए। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टॉइस, और अपनी जेब से अपना कछुआ निकाल दिया, एंड सेड, और कहा, वाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए कितना किराया देना होगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सारे जानवरों से किराया वसूलते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, टिकट कलेक्टर ने बारीकी से कछुए की ओर देखा, प्रोडेड इट विद हिज फोर फिंगर, अपनी तर्जनी से उसे पीछे धकेला, गेव ग्रांड फादर ए प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, दादाजी की ओर एक प्रसन्न और विजयी मुस्कान भरी नजर डाली, एंड सेड, और बोला, नो चार्ज, नहीं नहीं इसका कोई किराया नहीं, इट इज़ नॉट ए डॉग, ये कोई कुत्ता नहीं है। वेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रांड मदर, आखिरकार जब दादी जी ने भी टोटो को स्वीकार कर ही लिया, ही वॉज गिवन ए कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो उसको अस्तबल में उसे आरामदायक घर दे दिया गया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसे हमारे परिवार का नाना नाम का गधा उसका साथी बन गया। दरअसल वो गधा नहीं बल्कि गधी थी। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो के अस्तबल में पहली रात में, ग्रांड फादर पेड हिम ए विजिट टू सी, दादाजी उसे देखने के लिए अंदर गए, इफ ही वॉज कम्फर्टेबल, कि क्या हुए आराम से तो है। टू हिज सरप्राइज, तो उन्हें आश्चर्य हुआ, ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट काज, तो उन्होंने नाना को बिना किसी वजह के ऐसे पाया, पुलिंग एट हर हाल्टर, कि अपनी रस्सी खींचे हुए खड़ी हुई थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, और वह सूखी घास से अपना सिर इतनी दूर किए हुए है जितनी दूर संभव हो सकता है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, दादाजी ने उसके पुट्ठों में एक थप्पड़ मारा, एंड सी जर्क्ड बैक, और उसने झटके से अपना सिर हटाया, ड्रैगिंग टोको विद हर, और उसके साथ साथ टोटो का को भी खींच ले गई। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, टोटो नाना के लंबे कानों पर अपने दांत मजबूती से गड़ा हुए था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो नाना कभी मित्र नहीं बन सके। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स, सर्दी की ठंडी शाम के दौरान टोटो को एक बड़ा उपहार मिल गया, वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, और यह था गर्म पानी का एक बड़ा सा कटोरा, गिवन हिम बाई ग्रांड मदर फॉर हिज बाथ, जो उसे नहाने के लिए दादी जी ने उसे उपहार दिया था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, टोटो बड़ी चालाकी से अपने हाथ से पानी का तापमान जांचता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, तब वह धीरे से नहाने के लिए अपने कदम बढ़ाता था, फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, फिर दूसरा पैर, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा वह मुझे करता हुआ देखता था, अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वह गर्दन तक पानी में डूब नहीं जाता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब उसे आराम मिल जाती थी, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, तो वह अपने हाथों से या अपने पैरों से साबुन उठाता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर पर उसे रगड़ता था। वेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, तो वह बाहर निकल आता था, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और अपने को सुखाने के लिए जल्दी से किचन में जल रही आग की ओर दौड़ता था। इफ एनिमल लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर उसके इस कारनामे के दौरान कोई हंस देता था, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावना को ठेस पहुँचती थी।
एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वह स्नान करने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो अपने आप को जिंदा ही उबाल चुका होता। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, आग पर एक बड़ी सी केतली को रख दिया गया टू बॉयल फॉर टी, जिससे कि चाय के लिए पानी गर्म हो जाए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो ने यह पाकर कि इससे ज़्यादा करने को और उसके पास कोई बेहतर काम नहीं है, डिसाइड टू रिमूव द लिड, उसने केतली के ढक्कन को हटाने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ, ये देख कर कि पानी उसके नहाने के लिए पर्याप्त गर्म है, ही गॉट इन, वह उसी में कूद गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपना सिर खुली केतली के ऊपर निकाल लिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक तो ये सब कुछ ठीक ठाक रहा। अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक कि पानी खौलने नहीं लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, तब टोटो थोड़ा सा ऊपर उठा। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, लेकिन बाहर ठंड पाकर के फिर से नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तो वह उछल कूद करता रहा। अंटिल ग्रांड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी जी ना आ गईं, एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और उन्होंने आधा उबला हुआ उसे बाहर निकाला। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, एक दिमाग का कोई ऐसा भाग है स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, जो खास तौर से शरारत करने के लिए ही बना हो, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और वह भाग टोटो के अंदर बहुत बड़े स्तर पर विकसित हो गया था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह चीज़ों को हमेशा ही फाड़ता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी मेरी बुआ उसके पास पहुँचती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वह हमेशा उसकी ड्रेस पकड़ने की कोशिश करता रहता था, एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें छेद करने की कोशिश करता रहता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन दोपहर के भोजन के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के बीच में पुलाव की एक बड़ी सी तस्तरी रख दी गई। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जब हम कमरे में दाखिल हुए तो हमने टोटो को चावल खाते हुए देखा। माई ग्रांड मदर स्क्रीम, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक बुआ उसकी ओर दौड़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनके चेहरे पर पानी का एक गिलास आकर लगा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने पुलाव की तस्तरी उठाई, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं पर बैठा हुआ पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, तस्तरी अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर वह वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वह धीरे धीरे चावल खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने चावल के दाने दाने को खत्म करने का निश्चय कर रखा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रांड मदर, और तब दादी जी को चढ़ाने के लिए हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उन पर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने थाली पेड़ से नीचे फेंक दी, तस्तरी पेड़ से नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से चहकने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू ए 100 pieces, जब उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, स्पष्ट रूप से टोटो उस तरह का पालतू जानवर नहीं था वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको लंबे समय तक अपने घर पर रख सकते। इवन ग्रांड फादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी यह एहसास किया, वी वर नॉट वेल टू डू, कि हम इतने पैसे वाले भी नहीं हैं, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस क्लॉथ्स कर्टेंस एंड वॉलपेपर, और तस्तरी कपड़े पर्दे और वॉलपेपर की बार बार होने वाली हानि को बर्दाश्त कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड दैट टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने तांगा वाले को पता लगाया, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 rupees, और टोटो को उसी को ही 3 rupees में वापस बेच दिया। तो ये था एक छोटा सा लेसन, जिसमें एक छोटे बंदर की कहानी है, और ये बंदर उत्पाती तो जन्म से ही होते हैं, और जब इनको मौका मिलता तो और भी ज़्यादा शरारत करते हैं। ये पालतू जानवर नहीं रखे जा सकते हैं, वैसे भी कोई भी सभी जीव जंतु पालतू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब जंगल अपने नेचुरल इनहेबिटेंट में अच्छे लगते हैं। इसलिए मेरी आपको सलाह, यदि आपके पास ऐसा कोई पालतू जानवर, कोशिश कीजिए उसको जंगल में रिलीज कर दीजिए। धन्यवाद।
Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.